छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश में और राजस्थान में अब नाम तय होना बाकी है। और मध्य प्रदेश में कौन होगा मुख्यमंत्री, इसके लिए बैठक शुरू होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक बस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा भोपाल पहुंच चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी भोपाल में बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पार्टी दफ्तर में इस समय मौजूद है। यानी कि माना यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बहुत जल्द सबके सामने आ सकता है। थोड़ी देर के बाद विधायक दल की बैठक होने वाली है, जैसे कल छत्तीसगढ़ में हमने देखा विधायक दल की बैठक हुई और उसके बाद सबके सामने आ गया मुख्यमंत्री कौन होगा। वहां पर भी बहुत सारे चेहरों के लिए कयास लगाए जा रहे थे और यहां पर भी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से जो सामने आई है। नरेंद्र सिंह तोमर भी यहां पर पहुंच चुके हैं, इसके अलावा जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं वो भी यहां पर पहुंच गए हैं। इसके बाद ऐलान होगा कि आखिर कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश में सीएम पद के लिए आखिर कौन कौन से चेहरे हैं जो लगातार रेस में बने हुए थे, चर्चा उन पर होती रही। लेकिन जो अब अंतिम चर्चा है ये इस विधायक दल की बैठक में होने वाली है, जिसमें अंतिम मुहर लगेगी उस नाम पर जिसके हाथ होगी मध्य प्रदेश की कमान। और उसके लिए तमाम वो लोग जो जिम्मेदार पदों पर हैं वो अब यहां पर पहुंच चुके हैं। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी, पर्यवेक्षक भोपाल के बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं और अब इसमें होगा उस नाम का फैसला जो होगा मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व हमारा आया हुआ है और जो भी शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को देगा हम सब लोग उसको फॉलो करेंगे। देखिए हमारा तो एक ही बात है, हमारा मुख्यमंत्री हटा तो है नहीं है, कंटिन्यू बना है 25-20 साल से बने हैं। अब जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व देगा तो हम उसको स्वीकार करेंगे। तो इस वक्त बस अब थोड़ी देर का इंतजार माना जा रहा है, चूंकि विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा सबके सामने आ जाएगा। ग्राउंड जीरो से जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, विधायक दल की बैठक और उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये सबके सामने आ जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंच चुके हैं और वो चेहरे जिनका नाम इससे पहले चर्चाओं में रहा है, क्या तस्वीर इस वक्त आप वहां पर देख पा रहे हैं मनोज? सारे लोग पहुंच चुके हैं क्योंकि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सबसे पहले जब जो केंद्रीय ऑब्जर्वर हैं, पर्यवेक्षक हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मैं आपको माहौल साथ में इसलिए दिखा रहा हूं कि एमपी के मन में जी पर्यवेक्षक की मौजूदगी है, तमाम नेता हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी है और ये तस्वीर देखिए, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बतौर पर्यवेक्षक वहां पर मौजूद है, तीनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी है। इसके अलावा तमाम वो नाम जो लगातार चर्चा में है कि क्या एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान के हाथ में होगी कमान या कोई होगा नया नाम, और इसका भी अब फैसला होने वाला है। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी भोपाल में मौजूद हैं, इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। मनोज, इसी बैठक से वो नाम निकल कर आना है जिस पर मुहर लगने वाली है, लेकिन सबसे खास बात यह कि जिस तरह की आशंका थी कि जिन नामों पर चर्चा हो रही है क्या इन्हीं में से कोई एक नाम मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री होगा या फिर कोई नया नाम मध्यप्रदेश की कमान संभालता नजर आएगा। मध्यप्रदेश में सीएम पद के लिए एक और नया चेहरा अब सामने आ गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सुमेर सिंह सोलंकी। जी हाँ, ये नया नाम मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी का है। यानी मुख्यमंत्री पद के लिए जिन नामों पर चर्चा हो सकती है, अचानक एक नाम सामने आया और माना भी ये जा रहा था कि क्या कहीं ऐसा ना हो जैसा कि बीजेपी की अपनी परंपरा रही है, एक आश्चर्यजनक तौर पर नया नाम सामने आ सकता है जिसके हाथ में प्रदेश की कमान होगी, सुमेर सिंह सोलंकी। राज्यसभा के सांसद हैं, मध्य प्रदेश से हैं, लेकिन ये नाम अचानक चर्चा में है और सोलंकी ने हाल ही में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी और जिसके बाद अचानक से उनका नाम भी सीएम पद की रेस में शामिल हो गया है। तो आइए अब आपको ये बताते हैं कि सुमेर सिंह सोलंकी की वो कौन सी खासियत है जो उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना सकती है ग्राफिक्स के जरिए, अब आपको ये समझाने की हम कोशिश करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के ही बड़वानी जिले के रहने वाले हैं सुमेर सिंह सोलंकी, जो राज्यसभा के लिए पहुंचे हैं मध्य प्रदेश से और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, हमेशा पार्टी का पक्ष रखते हुए इससे पहले कई बार उनको देखा सुना जा चुका है। खास बात ये, 22 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद के तौर पर संसद भवन वो पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा सांसद बनने से पहले बड़वानी कॉलेज में इतिहास के वो प्रोफेसर भी रहे हैं और सबसे खास बात ये कि प्रदेश में एक बड़ा आदिवासी चेहरा है ये, और ऐसे में
इनके नाम पर फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा आपको यह भी बताएं कि इस बार आदिवासी बेल्ट पर 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, तो क्या इसी को देखते हुए ये चेहरा मुख्यमंत्री का हो सकता है, माना जा रहा है। और सबसे बड़ा फैक्टर ये कि ये संघ के चहेते माने जाते हैं, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चहेते हैं, और एक आदिवासी चेहरा तो क्या ये नया नाम चमत्कारिक तौर पर मध्य प्रदेश की कमान संभाल सकता है, इसीलिए भी इस नाम पर चर्चा। बिल्कुल प्रशांत, इनकी गिनती होती है पीएम मोदी और अमित शाह के बहुत करीबी नेताओं में, तो क्या इसका भी फायदा मिल सकता है? बहुत करीबी नेता माने जाते हैं ये, और इसीलिए माना जा रहा है कि सुमेर सिंह सोलंकी का भी अब नाम मुख्यमंत्री की रेस में आगे हो गया है। और खास बात ये कि लो प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं, और इसीलिए अब चर्चा में ये नया नाम सुमेर सिंह सोलंकी।